हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी आईआईटी जी लेवल की कंटिन्यूटी हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, आपको वर्कशीट मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, कोशिश करूंगा मैं भेजने की। क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। द क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स प्लस ए, सिग्नम ऑफ इनफैक्ट दैट इज सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए, एंड इट इज कंटिन्यूस, लिख लेना पूरा क्वेश्चन, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन रेंज ऑफ ए, वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ ए, ठीक है। ये जो ए लिखा है इसकी रेंज हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये हमने देखना है। वो सिग्नम आपको पता है, सिग्नम को अगर कोई नेगेटिव नंबर की इनपुट दी जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस वन, है ना। और अगर इसको पॉजिटिव आउटपुट दी जाती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर यहां पे रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वन, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो फोटो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या होना चाहिए, इट इज आइदर ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर हो जाए, ठीक है, और लेस देन जीरो, नेगेटिव नंबर हो जाए, ठीक है, या तो पॉजिटिव नंबर हो जाए या फिर नेगेटिव नंबर हो जाए। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मीनिंग क्या हो, ए मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ साइन एक्स, है ए की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन माइनस ऑफ साइन एक्स, और यहां से देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन माइनस ऑफ साइन एक्स। सुन ले रहा गौर से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब साइन एक्स की रेंज क्या है, माइनस वन टू वन, तो माइनस साइन एक्स की रेंज क्या होगी, माइनस वन टू वन, ठीक है, वही रहेगी। तो इसकी रेंज क्या है, ठीक है, माइनस साइन एक्स की रेंज क्या है, माइनस वन टू प्लस वन, और यहां पे भी रेंज क्या है, माइनस वन टू वन। अब सुनना जरा गौर से, ठीक है, ए ग्रेटर देन, ये जो हमारे पास एक सेट दिया ना इंटरवल, इससे बड़ा होने का मीनिंग क्या हुआ, इसकी हाईएस्ट वैल्यू से बड़ा होना, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन माइनस वन टू वन, इस इंटरवल से बड़ी वैल्यू होने का मतलब क्या है, वन से बड़ा होना, ठीक है। सो यहां से हम देखेंगे ए इज ग्रेटर देन वन और ए लेस देन माइनस वन टू वन का मीनिंग यहां पे क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है क्या है, माइनस वन, इस वैल्यू से छोटा होना, ठीक है। सो इट इज लेस देन माइनस वन, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का, किसी सेट की, किसी सेट से बड़े होने का मीनिंग यहां पे क्या है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू से बड़ा होना, और उस इंटरवल से छोटे होने का मतलब क्या है, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से छोटा होना। इसका मीनिंग क्या है, अगर नंबर लाइन के ऊपर हम देखेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, हियर इज माइनस वन प्लस वन, तो ए की वैल्यू क्या है, आइदर इट इज ग्रेटर देन वन इस तरफ और इट इज लेस देन माइनस वन इस तरफ। तो ए की रेंज, ए की रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, इज नॉट माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन एंड यूनियन वन टू इंफिनिटी, याद रखिए वन से ग्रेटर होगा, ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या है, ना तो वन इंक्लूडेड है ना ही माइनस वन इंक्लूडेड है। सो दिस इज रेंज ऑफ इट, रिमेंबर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जी में पूछे जाते हैं, इस बात को अपने माइंड में रखिए। और क्वेश्चन देखते हैं,
सो द क्वेश्चन इज f ऑफ x इक्वल्स a प्लस 3 cos x by x square for x less than 0 and it is b tan of pi upon x plus 3 for x greater than equal to 0. Here this is greatest integer function. ठीक है, ये क्या है? Greatest integer function. And this function is continuous at x equals 0. The function is continuous at x equals 0. तो 0 के ऊपर ये function continuous है. We have to find a and b from here. ठीक है, a और b हमने यहां से find करना है. इसके ऊपर चलते हैं. जब मैं ये क्या है, f of 0 negative less than 0. ठीक है, x is slightly less than 0. तो लेस देन जीरो के ऊपर क्या होगा हमारे पास? देखो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो यहां पे तो जीरो आ जाएगा. अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है दैट मींस लिमिट को एग्जिस्ट कर रही है. लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो ऊपर भी जीरो होना पड़ेगा. इन डिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास बननी चाहिए. ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है. तो जीरो बाई जीरो फॉर्म जब तक ये नहीं बनेगी तब तक ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यहां पे देखो लिमिट मैंने क्या पुट कर दी, जीरो. ये तो जीरो हो गया. यहां पे जीरो कॉस जीरो इज वन, क्या बचा? थ्री. थ्री इंटू वन थ्री. तो ए को यहां पे क्या होना पड़ेगा? माइनस थ्री. ये बात समझ आ रही है? ए को यहां पे क्या होना पड़ेगा? माइनस थ्री होना पड़ेगा. तो इस बात को आप अपने माइंड में रख लो. एफ ऑफ जीरो नेगेटिव जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहां पे बन रही है. और इस फॉर्म से ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? माइनस थ्री. ठीक है, माइनस थ्री प्लस थ्री तभी तो जीरो होगा. और नीचे फिर क्या हो जाएगा? जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी. आपको पता है, बताया था लिमिट्स में जीरो बाई जीरो फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है. ठीक है, ओके. अब बात करें एफ ऑफ जीरो प्लस की. ठीक है, राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट में इसको चेक करते हैं. देखो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं. एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो. तो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या है? यहां पे थ्री पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू. और थ्री पॉइंट समथिंग अगर वैल्यू है दैट मींस हमारे पास क्या होगा? ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये एक्चुअली किसके इक्वल आ जाएगा? थ्री के. ठीक है, तो हमारे पास यहां पे क्या जाएगा? बी टेन पाई बाई थ्री. ये समझ में आई बात? इधर देख लेना जरा ठीक ढंग से. x is slightly greater than 0 तो क्या जाएगा? 3 point something आएगा. और 3 point something जो भी है उसका greatest integer आपके पास क्या होता है? 3. ठीक है, अब tan pi by 3 कितना होता है? ठीक है, tan 60. tan 60 कितना होता है? root 3. तो ये हमारे पास क्या जाएगा? b root 3. is not it? अच्छा, अगर function continuous है तो ये दोनों limit को क्या होना पड़ेगा? equal होना पड़ेगा. ठीक है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो दोनों लिमिट को इक्वल होना पड़ेगा. तो इसका मीनिंग यहां पे क्या हुआ? ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. सो इट इंप्लाइज बी रूट थ्री मस्ट बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड बी इक्वल्स माइनस थ्री बाई रूट थ्री. आगे आप रेशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं. सो ए इज माइनस थ्री एंड बी इज माइनस थ्री बाई रूट थ्री. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, लिख लेना आप क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x. x बिलोंग्स टू 0 टू 1. ठीक है, x किसको बिलोंग कर रहा है? 0 टू 1 को बिलोंग कर रहा है. अच्छा,
पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स के ऊपर इस इंटरवल में, ये जो फंक्शन हमारे पास दिया, ये कितने पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपने देखा अच्छी तरह से। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो, जब तो मैं यहां पे जीरो पुट करूंगा, ठीक है, जब मैं जीरो पुट करूंगा यहां पे, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहां पे तो यहां से स्टार्ट होगा इसका ग्राफ, और कहां तक जाएगा, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/5 एक्स की वैल्यू जब मैं 1/5 पुट करूंगा, जीरो और वन के बीच में लाइन कर रहा है 1/5, ये तो आपको पता है। तो x की वैल्यू जब मैं यहां पे 1/5 पुट करूंगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और 1/5 से जस्ट पीछे तक, ठीक है, यहां पे ये ग्राफ है इसका, ये हॉलो सर्कल है, याद रखिए ना, हॉलो। ठीक है, अच्छा फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1/5 के ऊपर बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1/5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये कहां तक जाएगा, 2/5 तक, ये 1/5, ये 0, यहां पे क्या हो जाएगा, 2/5। 2/5 के ऊपर वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 3/5 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक जाएगा, 4/5। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 5/5, और ये देखिए ये है 3/5। ठीक है, ये 4/5 और ये 5/5, और 5/5 के ऊपर क्या होगा, यहां पे, तो कितनी जगह ये डिसकंटिन्यूस है इसमें। यहां से आपने क्या पेन उठाना पड़ा आपको, फिर यहां पे ये कितनी जगह हो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो देर आर 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 to 1 के बीच में, इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कितने, देर आर 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा आपने अपने माइंड में रखना है। सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 5। ठीक है, 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, आगे चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स फाइव साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहां पे जो एक्स हमारे पास है दैट इज 0 to 5। ठीक है, 0 और पाई को बिलोंग कर रहा है, फिर से भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, 0 यहां पे पुट किया तब तो क्या जाएगा, 0, तो ये कहां तक जाएगा, वहीं तक 1/5, 0 और पाई को बिलोंग कर रहा है ना, 0 और पाई को बिलोंग करता है, पाई इज 3 point something, तो 0 और 3 के बीच में 1/5 बिल्कुल आता है। यहां पे मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, यहां से क्या करेंगे, फिर से भाई 1/5 तक जाएगा। ठीक है, 1/5, फिर यहां पे 2/5, 3/5, 4/5, फिर यहां से ऊपर 5/5। ठीक है बेटा, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, और यहां से फिर 5/5 के ऊपर है ना, साइन एक्स की वैल्यू जब 5/5 मतलब 1 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1, दैट मींस 5/5, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा, 5 यहां पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये तो हो गया कहां तक, 5/5 वैल्यू कहां पे होगी, 5/2 के ऊपर, तो इंटरवल कहां तक कंप्लीट हो गया, 0 to 5/2 तक का इंटरवल कंप्लीट हो गया। इसके बाद वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी, पता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है फिर आगे कैसे बनेगा, इस तरफ को डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी यहां से। ठीक है, फिर अगले इसमें क्या जाएगा, यहां पे ऐसे, यहां पे, ठीक है, इसके बिल्कुल ठीक सामने,
जस्ट लाइक दिस। उसके बाद क्या रहेगा यहां पे ऐसे, फिर यहां पे, ठीक है। और फिर जैसे ही हम पाई के ऊपर पहुंचेंगे, पाई के ऊपर, ठीक है, तो वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी, जस्ट लाइक दिस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज करना शुरू करेगी वैल्यू, इसलिए डबल। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें पॉलीनोमियल था बीच में एक्स, यहां पे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, याद रखिए अगर पाई बाई टू होती इसकी रेंज तब तो उतने ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहते जैसे पीछे था, लेकिन इंटरवल क्या है जीरो टू पाई, और जैसे ही इंटरवल जीरो टू पाई होगा, ठीक है, रहेगी तो वैल्यू पॉजिटिव। आपको पता है साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे सिमेट्रिकल ग्राफ इसी टाइम से चलेगा आपके पास। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सो देर आर 9 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपने कंप्लीट करना है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आप, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है इसको डिस्कस करूंगा, जैसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।